ओके okay? एंड ये जो समिट चल रही है ये कौन से नंबर की मीटिंग है ये एटीन नंबर की मीटिंग हो रही है अभी 2023 में कहां पे हो रही है ये हमारे इंडिया में चल रही है अभी ओके okay? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो जी ट्वेंटी समिट चल रही है 2023 की इसका होस्ट कंट्री कौन है वो है हमारा इंडिया ओके okay? एंड इसका मोटो क्या है जी समिट का इसका मोटो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ओके सो जस्ट रिमेम्बर दिस दिस इज द मोड ऑफ g20 ट्वेंटी समिट ऑफ द ईयर टू ओके एंड इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो कब से स्टार्ट हुई थी जी ट्वेंटी समिट हमारे इंडिया में ये स्टार्ट हो चुकी थी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से एंड ये कब तक रहेगी टिल नाइन टू टेन सेप्टेम्बर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक ओके okay, ये डेट आप याद रखिएगा ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कब स्टार्ट हुई थी एंड ये कब एंड होगी प्रेसिडेंसी ओके okay?

ये लेगा ब्राजील विच इज इन साउथ अमेरिका ठीक है एंड वो कौन से नंबर की मीटिंग होगी नाइनटीन की मीटिंग होगी नेक्स्ट ईयर टू में ओके okay? नेक्स्ट G20 को जो वेन्यू है वो कहां पर होगा वो होगा इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में जो कि है प्रगति मैदान विच इज इन न्यू दिल्ली ओके ये आप याद रखिएगा नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे इसकी थीम क्या है जी ट्वेंटी समिट की विच इज इन दर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इसकी समिट इसकी जो थीम होगी वो होगी वासुदेवा कुटुम्बकम और यू कैन से दैट वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो कि मोटो था इसका ठीक है तो ये थीम ही होगी हमारी थीम ही मानी जाएगी एंड इसको हिंदी में बोला जाता है वासुदेवा कुटुम्बकम ओके okay? ये एक ही थीम है एंड ये जो वासुदेवा कुटुम्बकम है ये वर्ड कहाँ से लिया गया है ये वर्ड जो लिया गया है ये एक संस्कृत फ्रेज है जो कि लिया गया है महा उपनिषद से ओके okay? तो आपसे पूछा जा सकता है वासुदेवा कुटुम्बकम ये थीम कहा से ली गई है तो ये थीम ली गई है महा उपनिषद से जो कि एक संस्कृत फ्रेज है ओके okay? जिसका मीनिंग है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ओके सो दिस पॉइंट एंड इस थीम का सिंपली मीन्स है द वर्ल्ड इज वन फैमिली ये जो पूरा ही हमारा जो वर्ल्ड है ये एक फैमिली है ठीक है तो ये थीम को आप ऐसे समझिएगा ओके सो जो दिस पॉइंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा ये जो लोगो है जी ट्वेंटी का आपने हर जगह ही देखा होगा 2023 का जी ट्वेंटी का जो लोगो है उसकी इंस्पिरेशन कहा से ली गई है उसकी जो इंस्पिरेशन है वो ली गई है हमारे इंडिया के नेशनल फ्लैग से ठीक है उसके जो उसमें जो वाइब्रेंट कलर्स हैं सेफ्रन व्हाइट एंड ग्रीन एंड ऑल्सो ब्लू ठीक है उसमें ब्लू भी इंक्लूड किया गया है जी ट्वेंटी समिट के लोगों में ठीक है तो ये लोगों की इंस्पिरेशन ली गई है हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग से ओके सो जस्ट सजर दिस पॉइंट तो आप सभी ने आ, जी ट्वेंटी का लोगो तो देखा ही होगा ऐसे लिखा हुआ है वहां पे जी ट्वेंटी एंड ऐसे यहाँ पे लोटस की दिया एंड ऊपर इसके ये अर्थ बना दी गई है एंड नीचे लिखा गया है भारत 2023 इंडिया ठीक है तो ये जो G20 एंड ये जो लोटस uh, बनाया गया है ये कौन से कलर का है ये है सेफरन व्हाइट एंड ग्रीन एंड ये जो हमारी जो अर्थ है वो ब्लू कलर की बनाई गई है एंड यहाँ पे जो भारत है ये वर्ड दिया गया है हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट से ठीक है तो ये आप याद रखिएगा इसकी जो इंस्पिरेशन है वो हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग से ली गई है उसके जो कलर्स हैं वहां से ये डिनोट किया गया है इसका कलरफुल जो लोगो है जी ट्वेंटी का ओके सो जस्ट जैसे दिस पॉइंट पूछ लिया जा सकता है आपसे नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वट इज द एजेंडा ऑफ इंडिया जी ट्वेंटी समिट तो उसका जो एजेंडा है वो होगा इंक्लूसिव एम्बिशियस एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसेसिवनेस ओके तो ये हमारा जी ट्वेंटी एजेंडा रहेगा इंडिया का ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे टोटल कितनी मीटिंग्स होस्ट करेगा इंडिया जी ट्वेंटी समिट में तो टोटल टू हंड्रेड मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाएगी इंडिया में कहां पर टोटल फिफ्टी सिटीज में ठीक है अक्रॉस थर्टी टू डिफरेंट वर्क रहेंगी तो यहाँ पे वर्क स्ट्रीम मतलब है जैसे कि जो भी मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाएंगी किस बेसिस पे यानी कि जो एजुकेशन बेसिस पर वुमेन्स बेसिस पर एंड न्यूट्रिशन बेसिस पर एनवायरमेंट के बेसिस पर ठीक है ये सारे जो मीटिंग्स uh, कंडक्ट कराएंगी तो ये सारी वर्क स्ट्रीम कहलाई जाती है हमारी ओके okay? नेक्स्ट जो फाइनल समिट होगी वो कहाँ कंडक्ट कराई जाएगी जो फाइनल समिट होगी वो न्यू दिल्ली में कंडक्ट होगी इन द इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में नियर प्रगति मैदान ओके नाउ नेक्स्ट आपके लिए ये भी जानना जरूरी होगा जो मीटिंग्स हो रही हैं वो कौन से कौन से प्लेस पर कंडक्ट कराई जा रही हैं एंड कौन सी कौन सी मीटिंग्स हैं कुछ ऐसी मीटिंग्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए एंड आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि ये सारी ये जो मीटिंग है ये कौन से एरिया में कंडक्ट कराई गई थी किस स्टेट में इंडिया में कंडक्ट कराई गई थी ठीक है तो हम देख लेते हैं थिंक ट्वेंटी ये मीटिंग का नेम है ये जो कंडक्ट कराई गई थी ये भोपाल मध्य प्रदेश में कंडक्ट हुई थी नाउ नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप तो ये जो मीटिंग है एनवायरमेंट पर कंडक्ट कराई गई थी जो कि हुई थी बेंगलुरु कर्नाटक में एंड आफ्टर दैट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप इसकी भी मीटिंग कंडक्ट हुई थी बेंगलुरु कर्नाटक में ठीक है आफ्टर दैट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप तो इसकी जो मीटिंग है वो कंडक्ट हुई थी असम गुवाहाटी में उसके बाद हेल्थ वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है हेल्थ से रिलेटेड जो मीटिंग है वो कंडक्ट कराई गई थी तिरुवनंतपुरम विच इज इन केरला ओके आफ्टर दैट वुमेन ट्वेंटी इंसेप्शन मीटिंग ये जो मीटिंग कंडक्ट हुई थी छत्रपति शी नगर में हुई थी जो कि पहले औरंगाबाद के नेम से जाना जाता था तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा ये, ये आपको दे दिया जाएगा छत्रपति संभाजी नगर जो कि महाराष्ट्र में है तो ये मीटिंग यहाँ कंडक्ट कराई गई थी नाउ नेक्स्ट वन इज जी ट्वेंटी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप ये जो एजुकेशन से रिलेटेड जो मीटिंग है वो कंडक्ट कराई गई थी चेन्नई तमिलनाडु में अफ्टरदेट जी ट्वेंटी कल्चर वर्किंग ग्रुप ये जो मीटिंग है ये कल्चर पर कंडक्ट कराई गई थी तो ये हुई थी खाजू राव विच इज एन एम पी मध्य प्रदेश ओके अफ्टदेट बी ट्वेंटी इंसेप्शन मीटिंग ये जो बी ट्वेंटी इंसेप्शन मीटिंग है ये गांधीनगर गुजरात में कंडक्ट कराई गई थी ओके okay? आफ्टर दैट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप ये जो मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी लखनऊ में कंडक्ट कराई गई थी उत्तर प्रदेश में आफ्टर दैट जी ट्वेंटी एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग ये जो मीटिंग है ये आगरा उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराई गई थी एंड देन जी ट्वेंटी फॉरन मिनिस्टर मीटिंग ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराई गई थी ओके okay? एंड जो लास्ट वन है साइंस ट्वेंटी ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जी का ठीक है एंड इसका जो सेक्रेटेरिएट बनाया गया है रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में बनाया गया है ओके okay? तो आपसे पूछ लिया जा सकता है रिसेंटली जो साइंस ट्वेंटी का जो सेक्रेटेरिएट बनाया गया है वो कहां पे बनाया गया है तो वो आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में ओके जस्ट में दिस पॉइंट लास्ट वन इज मॉडल जी ट्वेंटी समिट ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराई गई है इंडिया में जो जो कि कंडक्ट कराई गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप विच इज इन थान महाराष्ट्र ओके एंड ये जो मॉडल जी ट्वेंटी समिट है ये फर्स्ट टाइम की गई थी बाय शेरपा जी ट्वेंटी हमारे इंडिया के शेरपा कौन है वो है अमिताभ कांत ओके सो जैस मे दिस पॉइंट और ये शेरपा कौन होते हैं शेरपा जो कंडक्ट कराते हैं मीटिंग ओके तो ये इन्होंने ही अमिताभ कांत ने मॉडल जी ट्वेंटी समिट की जो मीटिंग है वो कंडक्ट कराई गई वो कंडक्ट कराई थी ओके सो जस्ट पॉइंट नाउ पे मैंने लिख दिया है वॉट इज द मीनिंग ऑफ शेरपा शेरपा मीन्स हु सेट्स एजेंडा फॉर फ्यूचर मीटिंग ठीक है जो भी फ्यूचर में मीटिंग होने वाली है उन वो किस एजेंडा पे होगी ठीक है किस बेसिस पर होगी ओके तो ये शेरपा डिसाइड करता है एंड अभी जो जी ट्वेंटी का शेरपा uh, है वो है अमिताभ कांत हमारे ओके okay? नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हु लॉन्च जी ट्वेंटी थीम क्यू आर कोड तो जी ट्वेंटी का जो थीम है उसका क्यू आर कोड किसने लॉन्च किया है वो किया है पेटीएम ने ओके पेटीएम लॉन्च जी ट्वेंटी थीम क्यू आर कोड ओके सो जस्ट जिसमर दिस पॉइंट नाउ नेक्स्ट हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे जी ट्वेंटी से रिलेटेड ओके जी ट्वेंटी जो फॉर्म हुआ था फर्स्ट टाइम इन दर नाइनटीन नाइनटी नाइन में फॉर्म हुआ था ओके okay? एंड इसका जो एम है वो एम है टू तो सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज ठीक है हमारे जो आ, कंट्रीज में जो क्राइसिस आ जाते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं तो उनको स्टेबल करने के लिए उसमें मिडिल इनकम कंट्रीज को इन्वॉल्व करके उनको सिक्योर करते हैं उनके ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाते हैं वहां पे उनकी फाइनेंशियल स्टेट में आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे जी कंट्रीज में कौन कौन इन्वॉल्व होता है ठीक है किन किन से मिलकर जी ट्वेंटी कंट्रीज बनी होती हैं वो बनी होती हैं 60 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 80 परसेंट ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 75 परसेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन सभी से मिलकर हमारी क्या बनती है जी ट्वेंटी कंट्रीज एंड इसकी जो फर्स्ट समिट कंडक्ट कराई गई थी जी ट्वेंटी की वो हुई थी 2008 थाउजेंड यूएसए में या आप याद रखिएगा पूछ लिया जा सकता है आपसे ओके सो जस्टर रिलेटेड टू जी ट्वेंटी करेंगे टोटल आपको पता ही है ट्वेंटी हैं जी ट्वेंटी में एंड वो किस किस से मिलकर बने होते हैं नाइनटीन कंट्रीज प्लस वन ग्रुप यूरोपियन यूनियन से मिलकर बने हैं ओके okay, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है टोटल ट्वेंटी मेंबर्स अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान रिपब्लिक ऑफ कोरिया मैक्सिको रशिया साउदी अरेबिया साउथ अफ्रीका टर्की यूनाइटेड किंगडम यूएसए एंड द लास्ट मे विच इज द ग्रुप द यूरोपियन यूनियन ओके सो दिस रिमेम्बर ऑल कंट्रीज नेम वैसे जरूरी तो नहीं है आपको पता होना चाहिए वैसे कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है जी ट्वेंटी समिट में ओके और लास्ट हम देख लेते हैं ये जो एजेंडा सेट किया गया है जी ट्वेंटी डायलॉग में इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में इंडिया में इसकी uh, टोटल सिक्स एजेंडा प्रायोरिटीज सेट की गई हैं इस जी ट्वेंटी डायलॉग की टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन से सिक्स एजेंडाज हैं फर्स्ट वन इज ग्रीन डेवलपमेंट क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ सेकेंड वन इज एक्सलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट ग्रोथ थर्ड वन इज एक्सलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फिफ्थ वन इज मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एंड द लास्ट वन इज विच इज अस वन विमेन लेट डेवलपमेंट तो ये जो सारे हैं ये टोटल सिक्स प्रायोरिटीज हैं जी ट्वेंटी समिट की जो डायलॉग्स कंडक्ट कराए जाएंगे इन्हीं के बेसिस पर ये सारे जी ट्वेंटी डायलॉग्स कंडक्ट कराए जाएंगे एंड इन्हीं के ऊपर ये सारे एजेंडाज डिस्कस करे जाएंगे एंड इन पर रिफॉर्म्स लाया जाएगा इनके ऊपर जो भी मेजर्स हैं एंड जो भी कुछ कर सकते हैं वो इनमें सुधार लाएंगे एंड और उनमें इम्प्रूवमेंट लाके ये जो चीजें हैं इनमें डेवलपमेंट करेंगे तो ये पूरे सिक्स एजेंडाज प्रायोरिटीज थी टॉप प्रायोरिटीज थी जी ट्वेंटी डायलॉग समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की ओके सो जिस रिमेम्बर ली है एंड uh, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी के अंदर से पूछा जाएगा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है ठीक है तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है सो दिस इज द एंड ऑफ अ टॉपिक एंड आई हो फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मै चैनल विच शिव स्टडी एजुकेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर आई इन द नेक्स्ट वन